रेडी 5 सेकेंड्स। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच ना पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है, मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने ये निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर ना लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांवों में बसता है, 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की ना हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह है भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। सभापति महोदय एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हज़ार रुपये है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है।
लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाड़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए। यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। यह समस्या समाजवाद का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच ना पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है, मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर ना लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। स्टॉप।